अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी, और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से, जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे, क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।